जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर सैनियों, लाडो लाडियो, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आप सबके लिए बहुत ही प्यारी सी गुड न्यूज आ चुकी है। वैसे तो ये न्यूज में पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन हाँ, अब इसका हम ऑफिशियली नोटिस जब मिल जाता है किसी भी चीज का, तो हमको वो न्यूज और भी प्यारी लगने लग जाती है। स्पेशली मैं कई बार बोल चुका हूँ, जो आरपीएफ कॉन्स्टेबल की भर्ती है स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत फायदा करती है जो एसएससी जीडी जैसी भर्तियों में या आर्मी जैसी भर्तियों में केवल 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से रह जाते हैं। उन सब के लिए ये मान के चलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो है आरपीएफ कांस्टेबल की ये भर्ती। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और ये भर्ती आ चुकी है, इसके बारे में वो रोजगार समाचार पत्र वाला नोटिस भी मैंने दिखाया था, और आज इसका एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो गया है जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। देखो लाडलो, ये जो नोटिस है, ये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अजमेर जोन की, अहमदाबाद जोन की, बेंगलोर जोन की या भोपाल जोन, जितने भी जोन है उन सभी जोनों में ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। इस नोटिस में जो चीज कही गई है वो बात ये कही गई है लाडलो, कि जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 15/4 से, यानी 15 अप्रैल से आरपीएफ कॉन्स्टेबल के आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखना, जितने भी बच्चे जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे उन सबको इस समय से आरपीएफ कॉन्स्टेबल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। 15/4 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 15/4/2024 से ये फॉर्म भरे जाएंगे, और भरे कब तक जाएंगे ये भी जान लो, ये फॉर्म भरे जाएंगे आपके 14/5 तक, यानी लगभग 1 महीने तक ये फॉर्म अप्लाई होंगे। टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी 4650 है, ध्यान रखना ऑल इंडिया की वैकेंसी है। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है वो भी बता दूं, ये तो 100% ऑफिशियल नोटिस है, इस पे किसी को डाउट हो तो वो जाके देख सकता है, ये कमांडो अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा। देखो इसकी प्रक्रिया क्या होती है और ये वैकेंसी खास कैसे हो जाती है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी हाइट कम होती है। सबसे पहले इसका होता है एग्जाम, मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा देता हूं। सबसे पहले इसका एग्जाम होगा जो कि 120 नंबर का होगा, जिसमें 35 क्वेश्चन रहेंगे आपके मैथ के, 35 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चन रहेंगे जीके के, ठीक है। आरपीएफ कॉन्स्टेबल का बात कर रहे हैं, 120 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का समय होगा। सबसे पहले पेपर होगा, पेपर में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनका होगा बाद में फिजिकल। फिजिकल में सबसे खास बात है, इसके फिजिकल में खास बात यह है कि इसमें जो हाइट चाहिए ना वो चाहिए 165 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 165 सेंटीमीटर ही हाइट चाहिए इसके फिजिकल में, ध्यान रखना। और बाकी जितने भी वैकेंसी थे ऐसे जीडी ले लो, आर्मी ले लो, उनकी हाइट क्राइटेरिया 170 सेंटीमीटर, इसमें 165 सेंटीमीटर। लड़कियों के लिए भी इसमें हाइट क्राइटेरिया 152 सेंटीमीटर ही है, तो इससे बेटर कोई मौका नहीं हो सकता। इससे बढ़कर, इससे मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन बच्चों के लिए। खास बात यह है कि इसके फिजिकल में जो रनिंग होती है वो भी 1600 मीटर की होती है, लॉन्ग जंप होते हैं, हाई जंप होते हैं, तो यानी इसमें फिजिकली जो बच्चा स्ट्रॉन्ग है वही पेपर फाइनल मेट तक जा पाएगा। पेपर तो मान लो और भी बच्चे पास कर लेंगे, लेकिन इसका फिजिकल नहीं कर पाएगा हर कोई। उसके बाद में होगा मेडिकल, ठीक है। पोस्ट है इसमें, ध्यान रखना 4650 पोस्ट है टोटल, इसमें एसआई भी है और कॉन्स्टेबल भी है। तो जितने भी बच्चे कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, सिलेबस बिल्कुल एसएससी जीडी के रिगार्डिंग है, ज्यादा चेंजिंग नहीं है, तो आप इसको अभी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट मौका ये मान के चलिए आपके इस दुनिया का सबसे बेस्ट मौका आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती है, जिन बच्चों की हाइट कम है। इसीलिए आने वाली 20 तारीख से हम नए बेस शुरू कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का 100% गारंटी बेस। आप हमारे एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत लाडलो।